जबलपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां तेज रफ्तार डंपर ने पहले कार फिर कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर मार दी है। हादसे में एक कांवड़ियों की मौत हो गई जबकि 12 अन्य घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़हलगंज से सरयू का जल लेकर कांवड़ियों का जत्था पिपराइज के मोटेश्वर महादेव मंदिर में चढ़ाने के लिए निकला था। ट्रैक्टर ट्राली पर सवार कांवड़ियों का जत्था रविवार की भोर में 3 बजे धर्मशाला और ब्रिज पर पहुंचा। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने कार में ठोकर मार दी। कांवड़ियां अभी संभलते इससे पहले ही ट्राली में भी पीछे से भिड़ंत हो गई। हादसे में पिपराइज पत्रा के रहने वाले आकाश गुप्ता की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे डीएम कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना के बाद डंपर छोड़कर चालक फरार हो गया, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। हाँ, कैसे क्या हुआ? डंपर वाला कितने लोग घायल हुए? 10 से 12 दो लोग तो शायद इसका रहे हैं। ये डाइवर्जन गाड़ियों का नाम घूमने के लिए एक्सीडेंट हुई है। वहाँ पे जो प्रशासन थे लोग गाड़ी को घुमाने गए थे, जो कवरियों की दिक्कत हुई है बहुत अंदर चले हुए थे। वहाँ पे जो प्रशासन वो एक कवरियों को नहीं उठाई है, यहाँ पे जो जनता थी वो उठाया है। वो बस बस वाले को बचाने के चक्कर में उनको पकड़ी हुई थी। नहीं, कितने लोगों की मरने की सूचना आ रही है, क्या आप लोग देखें? सर, एक लोग का खबर है, एक लोग का सीरियस है। और सर डंपर वाला पूरा नेस कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा अमन कनौजिया नाम है। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।